कर्मचारी हड़ताल में है ना सर, मनरेगा में तो कह रहा हूँ आपको पहले अगर यदि सर मेन इनके घर के सामने है जो ना उसका कैसे मैं कैसे करा, चाहे जिससे भी करा उसको तुरंत करवाना है, वो तो बरसात आएगी तुरंत फिर उसके बाद कॉल भी करेंगे, बट पहला काम चैनलिंग होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ, उधर जाइए सर, उधर उधर तो ऊपर कहीं तो पानी जमा हो गया था, नहीं नहीं बादल पड़ा हो पंचायत में कल जो गधेरे में मलबा बह के आया था उसके वजह से जो एक हमारा गौशाला को नुकसान हुआ था उसका नुकसान का भी आज जायज़ा लिया है। साथ में जो ग्राम पंचायत जो सड़कें जो पैदल यातायात मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है और कुछ पेयजल योजनाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। जल संस्थान के अधिकारी भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ में BDO साहब हैं और SDM साहब हैं, सभी को निर्देशित कर दिया गया है तत्काल जो भी मलबा जमा हो गया उसको हटाने की कार्रवाई किया जाएगा DCP के माध्यम से। साथ साथ में जहाँ जहाँ पे मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है उसका आकलन बनाते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर्वप्रथम प्राथमिकता पे पेयजल लाइनों का सुधार अति आवश्यक रहेगा, उस कार्य को भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। अगले 3 से 4 दिवस में पेयजल योजना सुचारू हो जाएगी और जो निर्माण कार्य उसके लिए भी मैं आज से कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ। हम 24 घंटे के लिए एक्टिव रखेंगे, 3 शिफ्ट में वहाँ पे अधिकारी हमारे बैठे रहेंगे, नोडल ऑफिसर नामित किया जाएगा। समस्त तहसील स्तर पर भी कंट्रोल रूम हम बना रहे हैं जिसमें तहसील वार भी सूचनाएं आती रहेंगी। साथ साथ में जो भी उपकरण आवश्यक होता है आपदा से बचाव के लिए उसके लिए हम लोग विभिन्न स्थानों पर JCB का उपलब्धता, साथ में कहीं पर राहत शिविर अगर उपलब्ध कराना है उसके लिए स्थान चयन, कहीं पंचायत घर या कहीं विद्यालय का प्रांगण इसको हम चिन्हित कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हेलीपैड की भी व्यवस्था हम चिन्हित करके रख रहे हैं, भविष्य में कहीं पे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ता है तो उसके लिए भी हम लोग स्थान चयन करके रख रहे हैं। और हम आशा करते हैं इस वर्ष आपदा के बरसात के सीज़न में न्यूनतम कहीं पे आपदा की घटनाएं होंगी और जहां भी होंगी तत्परता से कार्य किया जाए।